नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत ग्रुप सी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपका जो ग्रुप सी में डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है वो फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और होम साइंस में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें खासकर लोग फैशन डिज़ाइन वाले कोर्स को ज़्यादा चुनते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पता लगेगी। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले कई बार ये बात बताई है कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसका एग्ज़ाम पैटर्न और दूसरा उसका सिलेबस। अगर ये दोनों चीज़ें कंफर्म है तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जीकअप का जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, वो सभी ग्रुप के लिए सेम रहता है। यानी कि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि होंगे आपके 400 मार्क्स के। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका प्रत्येक क्वेश्चन है 4 नंबर का। अगर आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपके खाते में जुड़ जाएगा। बट अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो यहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और इस हिसाब से आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त सावधानी बरतिएगा। टाइम आपको मिलेगा पूरे 3 घंटे का, जो कि सफिशियंट टाइम आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, ये एग्जाम पैटर्न अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के अंतर्गत ग्रुप सी के सिलेबस के बारे में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस किस सिलेबस से, यानी कि किस किस टॉपिक से आपके कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और वहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने रखा है इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रहेंशन को, जिसको आप इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर के नाम से भी जान सकते हैं। इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके 80 मार्क्स के होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको इंग्लिश ग्रामर से 10 क्वेश्चन लगभग और हिंदी ग्रामर से भी आपके 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके जो 12th लेवल की ग्रामर रहती है उससे पूछे जाएंगे। यानी कि जो अगर आपने अपने 12th में अच्छे से ग्रामर पढ़ी हुई है, 11th और 12th में, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे, चाहे आपकी हिंदी ग्रामर है चाहे आपकी इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश एंड हिंदी कंप्रेंशन को हम मान सकते हैं इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, वो भी 12th या 11th लेवल की। दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरल अवेयरनेस के बारे में। जी दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जनरली जीके के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके जीके से आने वाले हैं 30 क्वेश्चंस, जो कि आपको दे सकते हैं 30 चक्के 120, यानी कि 120 मार्क्स अगर आप इनको सही करते हैं। तो जीके जो कि आपका बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। वैसे मैं किसी भी ब्रांड का एड यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बट एक मार्केट में लुसेंट की जो बुक आती है उसे आप परचेज कर सकते हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। या अगर आपने 6 से 12 तक की या 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी की, तो भी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो जीके के लिए अलग अलग, उनकी अलग अलग स्ट्रेटजी रह सकती है, जैसा कि आपको समझ में आए उस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आती है बात रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी की। जी दोस्तों, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी, जिसको हम जनरली रीजनिंग मान सकते हैं, तो रीजनिंग में आपके आने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि 50% वेटेज आपका रीजनिंग से ही आने वाला है। और ये 50% वेटेज आपका रहेगा 200 मार्क्स का, यानी कि आधा पेपर आपका रीजनिंग से ही आने वाला है। अब दोस्तों, रीजनिंग में हम बात करते हैं तो काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं। कुछ सवाल यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी आ जाते हैं, जो कि आपकी हाई स्कूल लेवल की रहती है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके रीजनिंग से रहते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोई बुक परचेज कर लीजिए, मार्केट में जाके रीजनिंग की अलग अलग प्रकाशन की आपको मिल जाएंगी और उसे रीजनिंग की तैयारी कर लीजिए। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं 2020 में, तो आपके एग्जाम में अभी 2 महीने का समय लगभग बाकी है, और इन 2 महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो रीजनिंग की बुक को मिनिमम 2 बार तो पढ़ ही लेंगे। तो आपको मेन जो टारगेट रखना है वो रीजनिंग पर रखना है। और रीजनिंग की एक खासियत है कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही लग जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ किया। तो मेन टारगेट आपका रहेगा रीजनिंग पे और इंग्लिश एंड हिंदी के ग्रामर पे। बाकी जीके पे थोड़ा सा कम पकड़ रखिएगा, क्योंकि जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्लिप हो जाते हैं आपके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको एग्जाम का पैटर्न और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी बता दिया है, और उसके बाद आपको मैंने उसकी प्रिपरेशन करनी कैसे करनी है ये भी बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि लास्ट टाइम की प्रिपरेशन हमको करना है कैसे करनी है, जैसे कि लास्ट 7 डेज या लास्ट 15 डेज की। तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स मिल जाती हैं। तो अगर ग्रुप सी की बुक वहाँ पर अवेलेबल है आपके एरिया में, तो ग्रुप सी की बुक आप परचेज कर सकते हैं और उससे तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको कम सिलेबस दिया होता है, तो आप कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर कर पाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट की।
तो लास्ट में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट्स एंड टेस्ट, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनको लगाना है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और आपको उतना ही आसानी रहेगी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो दोस्तों बस आपको अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी ही करनी है, अपने एग्जाम पैटर्न को माइंड में सेट रखना है और लास्ट टाइम में अपनी जो भी तैयारी की थी उसका रिवीजन अच्छे से कर लेना है। तो यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।